नमस्कार स्टूडेंट, मैं पीयूष उपाध्याय विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिवीजन का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता है। स्टूडेंट, आज हम फिर एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाया जाता है और जीएसटी में इंट्रा स्टेट यानी जो भी व्यापारी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं उनको सी जीएसटी एस जीएसटी का इनवॉइस टैली प्राइम में बनाने का सही तरीका क्या है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, टैली प्राइम में इनवॉइस बनाने का सही तरीका क्या है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं, इंट्रा स्टेट सी जी एस टी इनवॉइस का बिल बनाने का सही तरीका क्या होता है। सी जी एस टी एस जी एस टी यानी इंट्रा स्टेट का बिल टैली प्राइम या टैली ईआरपी में बनाने का सही तरीका क्या है। स्टूडेंट तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले हम चलते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम स्टार्ट किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग टैली प्राइम पर काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपके सामने टैली प्राइम खुला हुआ है और यहाँ पर एक नई कंपनी हम जनरेट करेंगे स्टूडेंट। और कंपनी आप किस नाम से बनाना है स्टूडेंट आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पे। एंड मुझे बनाना है विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिवीजन और इनको मैंने रखा हुआ है एक रेगुलर डीलर के बीच भी रेगुलर डीलर है और इंट्रा स्टेट का बिजनेस होता है यानी अपने राज्य के यानी का यहाँ पे इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया विजुअल इफेक्ट का जो वर्किंग स्टेट है ये आपका इनका कंपनी है इंट्रा स्टेट यानी अपने राज्य के अंदर है और अपने राज्य के अंदर ही इनको लेन देन करना है। तो सबसे पहले हम एक विजुअल फेट कंपनी के नाम से एक लेजर बना लेते हैं स्टूडेंट। कंपनी जनरेट हो रहा है यहाँ पे विजुअल फेट कंप्यूटर डिवीजन, ये बन रहा है कंप्यूटर डिवीजन। एंड बाकी सब एड्रेस आप स्टूडेंट जानते हैं कहाँ पे क्या नोट करना है। लेकिन आप जब भी टैली प्राइम में काम करें आरपी में काम करें तो स्टेट जरूर मैंशन करेगा अगर रफली भी ट्राई कर रहे हैं। और किसी कंपनी का अगर कोई अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है या कहीं काम कर रहा है तो टोटल चीज़ आप फिलअप किया कीजिए, नाम पता एड्रेस पिन कोड नंबर सारा कुछ स्टूडेंट फिलअप करना है। एंड मुझे एक मान लीजिए डेट हमारा 1/4/2021 में हम काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल ये हमारा है एंड उसको डेटा करो हम सेव करा लेते हैं स्टूडेंट। अगर देखिए यहाँ पे स्टूडेंट अगर यहाँ पे दोबारा अगर जी हाँ दोबारा करने पे एक मैसेज आ रहा है आपके सामने यहाँ पे कह रहा है एंड कैन नॉट बी परफॉर्म एक्शन यानी इसका मतलब होगा स्टूडेंट इस नाम से ऑलरेडी कंपनी पहले से बना हुआ है। तो हम कंपनी के नाम में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, हम विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिवीजन वन कर देते हैं और एक नाम से दो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करेगा टैली प्राइम में। एंड सेव मैंने कर लिया, यहाँ रजिस्टर्ड हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो ये प्रोफार्मा आपके सामने स्टूडेंट खुल रहा है कंपनी एंड क्रिएट द सक्सेसफुल्ली ये दिखाता है यहाँ पे और नीचे यहाँ पे किस कंपनी में काम कर रहे हैं लिख रहा है विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिवीजन वन के अंदर आप काम कर रहे हैं और इसमें क्या क्या प्रोफार्मा आता है। तो ये जो टैली ईआरपी होता है इसमें ये प्रोफार्मा बन रहता है उसको हमें एफलाउंस में जाकर यस करना पड़ता है और ये ऑटो फुल खुल जाता है टैली प्राइम में, फ़र्क ये है पहला। और दूसरा चीज़ जैसे यहाँ पे जो फॉर्मेट आपका दिखाई दे रहा है ये फॉर्मेट सेम 7.2 वर्जन जो पहले होते थे उस वर्जन के अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है। जैसे 7.2 में सारे टैक्स को एक ही जगह रखा गया था उसी तरह टैली प्राइम में भी सारे टैक्स को एक जगह रखा गया है यानी अलग अलग ब्लॉक इनको नहीं बनाया गया है। ईआरपी में इन तीनों को ब्लॉक अलग रखा गया है, स्टॉक अकाउंटिंग का ब्लॉक अलग रखा गया है, स्टॉक का ब्लॉक अलग रखा गया है और टैक्सेशन का ब्लॉक अलग रखा गया है। ये फर्क है तीनों में, ठीक है, ईआरपी और प्राइम में। तो हम स्टूडेंट इस सीजीएसटी और एसजीएसटी का इस्तेमाल टैली प्राइम में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें क्या जरूरत है, जो फीचर जरूरत है उसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। अकाउंटिंग तो कर ही रहे हम लोग तो अकाउंट यस होना चाहिए, बिल वाइज भी यस, बिल के साथ नंबर बनाना हमें एंड इंटर करते हुए नीचे आएगा अधिका इन्वेंट्री यानी स्टॉक के साथ करना है तो इन्वेंट्री पहला ऑप्शन यस होगा और उसके साथ इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री ये दोनों ऑप्शन यस आएगा। यस करने के बाद यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा एनेबल जी क्या नाम है सॉरी एंड जीएसटी में यस करना तो यहाँ पे जीएसटी एनेबल कर दीजिएगा स्टूडेंट। जैसे यस करेंगे जीएसटी में तो ये प्रोफार्मा जीएसटी का आएगा तो सबसे पहले आप किस राज्य का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ये डालना होगा, वहाँ पे हम यूपी का डालना है। अब हमारा फर्म किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है जीएसटी में, रेगुलर है या कंपटीशन डीलर है, तो जो भी मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ ये रेगुलर कंपनी हमारा है, ठीक है। और रेगुलर और कंपटीशन के बारे में मैंने डिटेल समझाया हुआ, उसको एक बार वीडियो देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा रेगुलर क्या होता है कंपटीशन क्या होता है। तो फिलहाल हम एक रेगुलर डीलर है एंड रेगुलर डीलर यूज़ कर लीजिए हम यहाँ पे। एंड किस साल से मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ 1/4/2021 से और यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर डालूंगा जो मैं आप यहाँ पे जीएसटी नंबर मेंशन कर लीजिएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट करने के बाद हम यहाँ पे GSTR1 यानी आपको ये पता होना चाहिए कि GSTR1 मैंने समझाया हुआ रेगुलर डीलर के लिए कौन कौन से फाइलिंग कब की जाती है, तो इसके लिए वीडियो पिछला जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मंथली और क्वार्टरली कौन कौन डीलर फाइल करते हैं।
एंड ईवे बिल बनाना ही है। ईवे बिल के बारे में मैंने अभी समझाया नहीं है, तो फिलहाल ईवे बिल यस रखिएगा, जो आगे बताएंगे इसको भी ईवे बिल कैसे जनरेट किया जाता है। एंड इनवॉइस इनको सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सेव करने के बाद ये जो फालतू ऑप्शन है इसको नो कर दीजिएगा, नो करके ऑप्शन बंद करा दीजिएगा। ये अब इसके बाद एंटर करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम F9 करते हैं, सबसे पहले F9 में चले जाते हैं। F9 करने के बाद ये प्रोफार्मा आपके सामने स्टूडेंट खुलेगा एंड एंटर करिएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाया जा रहा है कि 1/4/2020 का डेट है, फिलहाल हम 21 में काम करेंगे। एंड गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक इंट्रा स्टेट, यानी जो मैं जिससे माल खरीद रहा हूँ ये भी एक इंट्रा स्टेट है, अपने हमारे राज्य के अंदर है और रेगुलर डीलर ये भी है। तो जो बिजनेस में क्वेश्चन में बना रहा हूँ, एक रेगुलर डीलर से रेगुलर डीलर का बिजनेस इन्वेस्ट कैसे बनाता है, दोनों कैसे मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे मैं खरीदूंगा रेगुलर डीलर को और बेचूंगा भी रेगुलर डीलर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रेगुलर डीलर है, तो ये मल्टी इन्वॉइस है। जो ये आइटम है सैमसंग मोबाइल, इस पर 25% है, 5% GST है। और ये आपका नाम सैमसंग फ्रिज है, इसमें 29 पीस खरीदा गया है और 12% GST, यानी एक बिल है जिसको बोलते हैं मल्टी इन्वॉइस। तो मल्टी इन्वॉइस में हम अगर टैली में कन्वर्ट करना चाहते हैं प्राइम में, तो यहाँ पे देखिए इस मल्टी इन्वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोफार्मा दिया हुआ है यहाँ पे नीचे ये दिख रहा है परचेज लेजर, इस परचेज लेजर को आपको पहले हाइड करना होगा। तो हाइड करने के लिए आप F12 दबाएंगे स्टूडेंट। F12 दबाने के बाद आपको ऊपर से नीचे से यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पे ऊपर से जब नीचे जो जनरल डिटेल है उस पर से नीचे आ जाएंगे धीमे धीमे करके चौथे नंबर पाँचवें नंबर पे। तो यहाँ पे आपको लिखेगा सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। तो ये नो होने पर मल्टी इन्वॉइस में आप अपने ये बिल को जनरेट कर सकते हैं मल्टी इन्वॉइस में। तो यहाँ पे इसको नो कर सकते हैं एंड इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए जो परचेज बिल था वो यहाँ से हट जाएगा। तो अब यहाँ पे जो भी हम लेजर एक ही बिल में दो यानी मल्टी टैक्स इन्वॉइस को हम जनरेट कर सकते हैं। एंटर करेंगे स्टूडेंट। तो जैसे आप अल्टा सी जानते हैं, अल्टा सी से मुझे किससे माल खरीदना है, यहाँ पे मुझे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से माल खरीदना है। तो यहाँ पे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का लेजर बना लेते हैं स्टूडेंट, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सिंडिकेटर्स हो गया हमारे लिए, सिंडिकेटर्स यहाँ सेट कर लीजिएगा एंटर। तो अब यहाँ पूछा बिल बाइस, ये पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ था बिल बाइस क्या होता है, कैसे मेंटेन करता है, सब पुराने वीडियोस में देखिएगा, सब समझ में आपको आ जाएगा अच्छे से। एंड इंटर करते हुए जाएगा अपन पार्टी का नाम पता एड्रेस, बहुत ही मैंडेटरी होता है यहाँ पे। तो सब कुछ इनका डिटेल फाइल कीजिएगा अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हैं तो। एंड यहाँ पे बैंक डिटेल डालिएगा, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है, इनका रेगुलर डीलर है, सब कुछ है, इनका GST नंबर है एंड सारा कुछ आप फिलअप करिएगा स्टूडेंट। फिलअप करने के बाद ये प्रोफार्मा आएगा आपका इनवॉइस प्रोफार्मा, जो आपको ईवे बिल भी आता है, चला नंबर आता है, किस डेट को फाइल करना है, ये सारे कुछ मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो किस ब्लॉक में क्या क्या लिखा जाता है, इसको ध्यान देखते हैं आप समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से मैं माल खरीद रहा हूँ। एंटर करते हुए जाएंगे यहाँ पे और सीधे आप आइटम पे आ जाएंगे। तो आइटम पे अल्ट्रा सी करेंगे यहाँ पे, और क्या आइटम मुझे खरीदना है इनसे, यहाँ लिख रहा है सैमसंग मोबाइल 25 पीस लेना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सैमसंग मोबाइल का एक आइटम बनाएंगे, सैमसंग मोबाइल इंटर कर दिया। अब सैमसंग मोबाइल एक आइटम मैंने यहाँ जनरेट कर दिया है स्टूडेंट, और यहाँ पे आप अल्ट्रा सी करेंगे, यानी यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे अल्ट्रा सी। तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई प्राइमरी में क्या डालते हैं, ब्रांडिंग का नाम डालते हैं, किस ब्रांड का माल रखते हैं आप, फिलहाल ये सारा आपको पता है आपको। हम आगे बढ़ते हैं अल्ट्रा सी करते हैं सीधे, और यहाँ पे हम पीसेस जनरेट करेंगे, पीसेस में ले रहा हूँ इंटर। यूनिक रेट भी पीसेस रहेगा स्टूडेंट, यूनिक रेट पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेव, यहाँ पे डेसिमल पे 2 लगा दीजिएगा, सेव करा लीजिएगा। ये जो प्रोफार्मा है ये आपका स्ट्रक्चर डिटेल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंटर करिएगा और इसको यस करिएगा। यस करने के बाद एंड ये जो प्रोफार्मा आपके सामने दिख रहा है इसके लिए काफी चीज अभी छुपा हुआ है, तो F12 दबा दीजिएगा। अगर आप पहली बार टैली प्राइम को इस्तेमाल करते कई सारे फीचर्स बंद रहते हैं, इसको एनेबल करने के लिए F12 दबा दीजिएगा। F12 दबा के सारे फीचर्स को आप यस कर लीजिएगा, यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद अब आपको पता है कि भाई डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है, आपको हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या चीज़ है एंड मोबाइल है, HSN कोड, HSCA कोड मैंने आपके आप बताया था पिछले वीडियो में, इसको देखिएगा। एंड फिलहाल HSN नंबर यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ, इंटर करते हुए जाएंगे एंटर। ऑन टैक्सेबल वैल्यू पे इंटर करेंगे आप इंटर, और यहाँ पे 5% इस मोबाइल पे है, 5% लगा के इसको सेव करा लिया स्टूडेंट। एंड अब यहाँ पे देखिए रेट ऑफ क्वांटिटी पूछा है स्टूडेंट, रेट ऑफ क्वांटिटी कितना है, 25 पीस है और 4900 का है।
तो यहाँ पे हम 25 पीस डाल देते हैं और 4900 का रेट डाल देते हैं, तो टोटल आपका बिल आ जाएगा 1,22,500 का इंटर आ जाएगा। इंटर करेंगे स्टूडेंट और ये ब्लॉक खुलेगा आपका कि भाई इस किस इस ये आइटम पे क्या इस क्या साथ हो रहा है, तो हम इसे परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अल्टर सी से परचेज हेड क्रिएट कर लीजिएगा स्टूडेंट, परचेज इंट्रा लिखिएगा स्टूडेंट, क्या लिखिएगा इंट्रा, इसका मतलब हो गया इंट्रा स्टेट से माल आ रहा है। एट द रेट लगा के कितना परसेंट पे आ रहा है वो भी आपको यहाँ मेंशन करना होगा, ठीक है। इंटर करिएगा एंड परचेज का हेड परचेज मिल जाता है, जैसे आपको पता है इंटर करने के एंड इनवॉइस मोड पे काम नहीं करना, इंटर करते हुए आएगा और जीएसटी एप्लीकेबल कर दीजिएगा, फिर इंटर करिएगा और इंटर करते हुए जाएगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कई सारे आपको प्रोफार्मा है, इन पे आपको बहुत ध्यान देना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको अगर जो भी हम इंटर एड्रेस माल खरीदते सबसे आखिरी में आपको मिलेगा परचेज टैक्सेबल, परचेज टैक्सेबल पे आप इंटर करेंगे स्टूडेंट। इंटर परचेज टैक्सेबल का मतलब होगा कि ये जो भी जो बिल बन रहा है ये लोकल का ट्रांजेक्शन हो रहा है, लोकल यानी इंटरेस्टेड का, और यहाँ पे 5% लगा के इसको सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। किस पे लग रहा है ये, गुड्स पे। एंड दूसरा आइटम फिर अल्टर सी करिएगा, दूसरा आइटम क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे है सैमसंग फ्रीज 29 पीसेस है, तो हम यहाँ पे सैमसंग फ्रीज बना लेते हैं, सैमसंग फ्रीज फ्रिज इंटर करिएगा, इंटर पीसेस बना हुआ है ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको यस कर लीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे एंड फ्रिज जैसे आप डाल दीजिएगा एंड इसका भी अगर एसएसएन कोड होगा तो वहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा इंटर, मैं कुछ भी एसएसएन कोड डाल दिया हूँ एग्जाम्पल तरीके से, टैक्सेबल एंड कितना परसेंट इस पर 12% है, 12% सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। और कितनी क्वांटिटीज़ है आप यहाँ वापस जाएंगे तो यहाँ लिखा है यहाँ पे क्वांटिटी तो 19 पीस है, 29 पीस है और इसका रेट है 12,500, तो यहाँ पे 29 पीस डाल दिया स्टूडेंट और यहाँ पे 12,500 इंटर करिएगा, तो टोटल यहाँ पे ये बिल बन गया इंटर। यहाँ पे अल्टर सी से एक परचेज का दूसरा लेजर बनाएंगे, परचेज इंट्रा इंट्रा स्टेट एट द रेट 12% डाल दीजिएगा इंटर एंड परचेज का हेड परचेज भी डालना, जैसे आपको पता है स्टूडेंट इंटर इंटर करते जाएगा, यहाँ जीएसटी एनेबल कर लीजिएगा, यस कर लीजिएगा और इंटर करते हुए जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करना, वापस आप नीचे आके किसमें करेंगे परचेज टैक्सेबल इंटर करेंगे और 12% जीएसटी लगा के यहाँ सेव करा लेंगे। अब ये तो आपका बन गया स्टूडेंट, अब इस पर क्या टैक्स लग रहा है, अभी इंटरेस्टेड खरीद रहे हैं तो आपको भाई सी जी एस टी जी सी चार्ज होगा, तो फिर अल्टर सी करें वापस आप वहाँ पर जाएंगे और इंटरेस्टेड ला लेंगे, इनपुट इनपुट सी जी एस टी एट द रेट, तो भाई लोकल जी एस टी है तो हमारे इसमें हर हर टैक्स का आधा होता है इसमें, तो 5% का आधा बन जाएगा सी जी एस टी, इसको डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे स्टूडेंट, इंटर एंड जी एस टी सेलेक्ट कर लेंगे, क्या है सेंट्रल सेंट्रल सेलेक्ट कर लीजिएगा और 2.5% यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, नॉर्मल राउंडिंग अगर आप राउंडेड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 लगा दीजिएगा, इंटर सेव। तो स्टूडेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पहला माल है इसमें टोटल 1,22,000 का 2.5% आया है, 3,663 रुपये, फिर इंटर करेगा स्टूडेंट वापस एंड इनपुट एस जी एस टी एट द रेट 2.5% इंटर, ड्यूरेंट टैक्सेस जीएसटी एंड स्टेट 2.5% नॉर्मल राउंडिंग 1, ये देखिए 3,000, अगर ये दोनों भाई कोई गड़बड़ी होती तो टैक्स बराबर नहीं आता। अब इंटर करेगा स्टूडेंट आप सीधे एंड इनपुट सी जी एस टी एंड 6% यानी 12% फ्रीज पर लग रहा है तो 6 बनाएंगे आधा आधा, डिफरेंट टैक्सेस जीएसटी एंड सेंट्रल एंड 6% यानी 12 का 6 लिख देंगे यहाँ पे, इंटर नॉर्मल ऑर्डिंग 1 इंटर करके सेव कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 3,22,500 पे 6% कितना आएगा 21,750 रुपये, फिर इंटर करेगा स्टूडेंट, फिर इनपुट एस जी एस टी एट द रेट 6% इंटर करेगा, डिफरेंट टैक्सेस जी एस टी एंड स्टेट 6% नॉर्मल लॉन्डिंग 1 एंड सेव करा दीजिएगा स्टूडेंट। तो ये आपने देखेगा कि स्टूडेंट ये आपका यहाँ पे अगर भाई 50,000 के ऊपर रहेगा तो ये ई वे बिल जनरेट होता है, जो आगे हम समझाएंगे, फिलहाल भी आपको हम ई वे बिल जनरेट नहीं बता रहे हैं, सेव करा लीजिएगा। तो टोटल बिल हमारा 3,34,625 का बिल बन गया है एंड सेव करा के यहाँ पे ये बिल बना के सेव करा लीजिएगा।
अगर देखिए जो भी अगर ईवे बिल भाई 50 है ऊपर है तो ईवे बिल बनता ही है, तो दिख रहा है टैक्स अमाउंट डस नॉट मैच, ठीक है, द वैल्यू कैलकुलेट सेट वेरीफाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन दिस द टैक्स एनालिसिस फॉर रिपोर्ट एंड कंट्रोल आई, यानी आप जाके एनालिसिस कर सकते हैं अगर आप GST को एनेबल नहीं करते, तो ये आपका इनवॉइस बन चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं स्टूडेंट तो इसको डे बुक में जाकर ओपन करके देख सकते हैं, इंटर करिएगा और यहाँ पे आप अल्टर पी करेंगे, अल्टर पी पे आपका जो प्रोफार्मा आता है ये मिलेगा आपका करेंट लिखा ना, यहाँ पे इंटर करिएगा स्टूडेंट और करेंट इंटर करने के बाद ये प्रोफार्मा आएगा और यहाँ पे प्रीव्यू उसको देख सकते हैं, ये आपका परचेज इनवॉइस का प्रीव्यू होता है जैसे बिल बन के आपका आएगा स्टूडेंट, ये देखिए ये होता है परचेज इनवॉइस इंटरेस्टेड का बिल, ठीक है। अगर आप अब इसको बेचना है स्टूडेंट तो आपको वही चीज प्रोसेस आपको बेचना है, बेचने के लिए आप सेम अकाउंटिंग वाउचर में एफेट करेंगे, आप एफेट वाउचर में चले गए और कुछ किसे मुझे बेचना है वापस हम अल्टर सी करते हैं किसको बेचना है, यानी कि ऑल आइटम्स सोल्ड टू महेश इलेक्ट्रॉनिक, महेश को पूरा माल बेचना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे महेश इलेक्ट्रॉनिक को हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, महेश इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एंड इसको महेश इलेक्ट्रॉनिक डाल देंगे सनी डेप्टर्स में, सनी डेप्टर्स सेव करा लीजिएगा एंड इंटर करते जाएगा एंड सेव करा लीजिए सर, अभी हम 10 मिनट में ठीक सेव करा दीजिएगा, इंटर स्पेस दबाएगा। अभी जो माल है आपका स्टूडेंट इसमें देखिए पहले मोबाइल है 25 पीस, यहाँ 25 पीस पूरा बेच रहे हैं तो 25 पीस पे इंटर करिएगा। अब वहाँ पे हम डायरेक्ट इस क्वांटिटी में 25 पीस टोटल डाल लीजिएगा, इंटर, एंड अब इसमें हमें 25% प्रॉफिट रख के बेचना है, कितना बेच रहा है यहाँ पूछ रहा है कि जो माल बेच रहे हैं इसमें 25% लाभ रख के बेचा जा रहा है, तो 25% लाभ हमें रखना है। अगर देखना है तो एक आइटम का नाम कितने का नाम था 4900, तो 4900 25% निकाल दीजिएगा, तो यहाँ पे अल्ट्रा सी कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर करने के लिए, अगर इस ब्लॉक में अल्ट्रा सी करते हैं सीधे कैलकुलेटर पर चले जाएंगे आप, अल्ट्रा सी किया तो मैंने यहाँ पे 4900 लिखा, नीचे देखिएगा बॉटम में आप देख रहे हैं ना कैलकुलेटर खुल रहा है, बॉटम में 4900 इंटू 25% मैंने लिखा यहाँ पे, इंटर, तो 25% की वैल्यू जो आ गई जो प्रॉफिट आ रहा है 1225 रुपये, इसको प्लस कर देंगे वापस फिर अल्ट्रा सी उसी में रख के करेंगे आप, और 4900 प्लस उसमें 1225 रुपये यानी 1225 रुपये आप प्लस कर देंगे उसमें, तो टोटल जो बिल बन जाएगा 153125 रुपये का, यानी आपका 6125 की प्रॉफिट के बाद आपका रेट बन रहा है, ठीक है, इंटर करेंगे स्टूडेंट, फिर वही अल्ट्रा सी करेंगे यहाँ पे, अल्ट्रा सी से सेल यानी माल बेचा जा रहा है, सेल इंट्रा इंट्रा स्टेट एट द रेट, भाई माल बेच रहे तो 5% पे उस पर आइटम था तो 5% लगा देंगे यहाँ पे, सेल पे सेल्फ डाल देंगे इंटर और इंटर करते हुए जाएंगे यहाँ पे एनेबल कर देंगे, ठीक है, तो इस पर करते हुए स्टूडेंट किस पे यहाँ पे सेल टैक्सेबल, सेल टैक्सेबल मतलब होता है इंट्रा स्टेट माल बेचा गया है, इंटर 5% लगा के इसमें सेव कर देंगे एंड फिर यहाँ पे स्टूडेंट दूसरा आइटम क्या है, फ्रीज 29 पीसेज यहाँ डाल दीजिएगा, इंटर, फिर अल्ट्रा सी वहाँ पे स्टूडेंट करिएगा, एक पीस का नाम पहले देख लीजिएगा कितने का हमारा, एक पीस का नाम है कितने का 12525% निकालना, तो आप यहाँ पे 12500 लिखिएगा स्टूडेंट और इसमें 25% निकाल दिया मैंने, तो 25% आ गया 3125 रुपये, फिर वहाँ पे अल्ट्रा सी दोबारा करिएगा और 12500 प्लस 3125 रुपये प्लस कर दीजिएगा स्टूडेंट, टोटल बिल बन जाएगा आपका जोड़ने 4,53,125 का प्रॉफिट के साथ, इंटर करेंगे स्टूडेंट और इसी तरह अल्ट्रा सी करेंगे यहाँ पे सेल इंट्रा स्टेट एट द रेट 12% यहाँ पूरा लिखा जाएगा एंड सेल इंटर करते जाएंगे, यस, और इंटर करते हुए स्टूडेंट जाएंगे यहाँ पे सेल टैक्सेबल में सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर, यहाँ पे 12% लिखेंगे आप, सेव करा देंगे स्टूडेंट, गुड्स में ये सेट हो गया आपका, अगर ये सही तरीके से काम कर रहा है फिर यहाँ पे अल्ट्रा सी टैक्स आपको रिसीव करना है, तो आउटपुट एंड सी GST एट द रेट पहले 2.5% लगाएंगे, पहले आइटम में 5% है तो 2.5 लगा देंगे यहाँ पे, एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंटर, सी GST एंड सेंट्रल 2.5% एंड सेल इनवॉइस नॉर्मल ऑर्डिंग,
ये ऑटोमेटिक देखिए टैक्स उठा लेगा स्टूडेंट। अब 3125 रुपये का, 3825 का ये आउटपुट हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आउटपुट एज जीएसटी एट द रेट एंड 2.5% ड्यूटी एंड टैक्सेस सीजीएसटी स्टेट एंड 2.5% लगा दीजिएगा स्टूडेंट एंड इंटर इंटर करते जाएगा, ये ऑटोमेटिक ले लेगा आपका। देखिए ये आ गया आपका 3813 रुपये, इंटर करेगा स्टूडेंट एंड आउटपुट पे है। फिर आउटपुट सी जी एस टी एट द रेट एंड 6% यानी 6 12 का 6 बनेगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस जी एस टी वही चीज़ रहेगा, सेम प्रोसेस सेंटर सेंटर 6% नॉर्मल ऑर्डरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटर एंड सेव। ये आपका 27,188 रुपये आ रहा है एंड फिर सेलेक्ट कर लेंगे एंड आउटपुट सी जी एस एस जी एस टी बनाएगा एस जी एस टी एट द रेट एंड 6% एंड ड्यूटी एंड टैक्सेस जी एस टी इंटर एंड 6% नॉर्मल लॉन्डिंग इंटर। ये टोटल आपका आ गया टोटल स्टूडेंट, ये सेल इनवॉइस कहते हैं इसको। इंटर क्लिक करेंगे, यहाँ ईवे बिल पूछ रहा है, बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे ईवे बिल का एक प्रोफार्मा होता है जो आपको हम आगे समझाएंगे कि ईवे बिल कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोफार्मा फाइल किया करना चाहिए। फिलहाल अभी हम कुछ नहीं यहाँ पे इसमें इसको इंटर करके सेव करा लीजिए स्टूडेंट एंड ये इंटर एंड सेव। सेव करने के बाद अगर आप डे बुक में चाहे देख सकते हैं सेल इनवॉइस, ओपन करिएगा और अल्टर पी करिएगा जैसे मैंने आपको बताया था, फिर इंटर करिएगा दोबारा, फिर आप अल्टर इंटर करिएगा तो ये आपका प्रिंट वैल्यू आएगा, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये स्टूडेंट होता है सेल इनवॉइस को बड़ा करने के लिए अल्टर जेड करेगा जूम करने के लिए, तो जूम से आप देख सकते हैं ये सेल इनवॉइस होता है। देखिए तो इसमें देखिए सारा प्रोफार्मा आपको ऑटो कैलकुलेट करके जनरेट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये देखना है स्टूडेंट हमारा टैक्स की लाइबिलिटीज कितना बना, मैंने कितना माल बेचा। अगर स्टॉक हम चेक करेंगे हमारे पास जितना माल था सारा बिक गया, तो देखने के लिए आप यहाँ पे अगर स्टॉक चेक करेंगे स्टॉक में कुछ नहीं दिख रहा, सारा माल बिक चुका है। और कितना टैक्स मेरे नाम बना हुआ है, कितना हमें जमा करना है, तो आप अल्ट्रा फोन करके आप यहाँ शो करेंगे तो यहाँ पे टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है हमारी कितनी स्टूडेंट 12,406 रुपये आपको बना हुआ 13 पैसे, ये टैक्स हमें सरकार को जमा करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो जमा करने का प्रोसेस है कि पहले इसका एडजस्टमेंट करना होगा आपको, एडजस्टमेंट करने का प्रोसेस आपका वही है एंड आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे स्टूडेंट एंड F7 प्रेस करेंगे। F7 में जितनी भी अमाउंट्स आपके आउटपुट होते हैं और इनपुट अमाउंट होते हैं उसको एडजस्टमेंट करना है। आशा है शुरू आपको समझ में आएगा कि CGST SGST का इस्तेमाल इनवॉइस बनाने के लिए टेलीप्राइब में कैसे किया जाता है। हर वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप अकाउंट लाइन में काम कर रहे हैं या आप किसी अकाउंट लाइन में किसी व्यापारी का जीएसटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो इनवॉइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसका बिल सही तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, आज के लिए नमस्कार।